जय हिंद। आज हम टेस्ट सीरीज 8 पे बात करेंगे, जहां पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? ऑप्शन देखते हैं हम, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत या नेपाल। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो है ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही हम क्रिकेट का जन्मदाता देश कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम, क्रिकेट में कितने नियम होते हैं, मतलब लॉ ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट में कितने नियम होते हैं? ऑप्शन देखते हैं हम, 38, 40, 42 या 45। तो आंसर यहां पर आपका सी राइट है, 42। आगे देखते हैं हम, क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ऑप्शन देते हैं 1896, 1900, 1904 या 1908। तो आंसर आपका यहाँ पर बी राइट है, 1900 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया, और ये अंतिम भी पहला और अंतिम बार था, मतलब क्रिकेट को 1900 में शामिल किया गया, फिर उसी ओलंपिक से क्रिकेट को हटा भी दिया गया। आगे देखते हैं हम, क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, प्रश्न 4 है, क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, ऑप्शन देखते हैं, 17.15 मीटर, 20.12 मीटर, 22.33 मीटर या 25 मीटर। तो आंसर आपका यहाँ पर बी राइट है, 20.12 मीटर, मतलब 20 आप शॉर्ट में आ सकते हो, 20 12 मीटर पॉइंट आपको लगा देना है, आपको शॉर्ट में याद रखना है 20 12 मीटर। आगे देखते हैं, थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिया गया पहला खिलाड़ी था? ऑप्शन देखते हैं, क्रिस गेल, सचिन तेंदुलकर, चार्ल्स बैनरमैन या वीवीएस लक्ष्मण। तो आपका आंसर यहाँ पे बी राइट है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो थर्ड अंपायर द्वारा आउट किए गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, एंटीना संबंधित है क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो एंटीना है वो किससे संबंधित है? हमारा वॉलीबॉल से, ठीक है। एंटीना वर्ड हमारा किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से, ठीक है। जो इसमें एंटीने की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 1.80 मीटर, जिसमें 1 मीटर वो हमारा एंटीना अंदर होगा और 80 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, वॉलीबॉल में पोल की ऊंचाई होती है, वॉलीबॉल में पोल की ऊंचाई होती है 2 मीटर, 2.35 मीटर, 2.55 मीटर या 2.75 मीटर। तो आंसर आपका यहाँ पे सी राइट है, 2.55 मीटर। आगे चलते हैं हम, वॉलीबॉल में एंटीने की लंबाई होती है, प्रश्न हम 8 की बात कर रहे हैं, 1.55 मीटर, 1.68 मीटर, 1.80 मीटर या 1.95 मीटर। तो आंसर आपका सी यहाँ पर राइट है, 1.80 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं हम, वॉलीबॉल में लगे नेट की ऊपर की पट्टी की चौड़ाई होती है, दो पट्टी होती है, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है, ठीक है। तो ऊपर वाली पट्टी की बात कर रहा है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका सी आपका राइट है, 7 सेंटीमीटर, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। आगे चलते हैं, महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई होती है, ठीक है, 2.24 मीटर, 2.30 मीटर, 2.35 मीटर या 2.40 मीटर। तो आंसर आपका यहाँ पर ए राइट है, 2.24 मीटर। आगे चलते हैं हम, सिनार्थ्रोसिस जॉइंट है, ठीक है, इमूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट या स्लाइडली मूवेबल जॉइंट, इनमें से कोई नहीं। जो हमारे इमूवेबल जॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं अचल संधि, फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम बोलते हैं चल संधि, और स्लाइडली मूवेबल जॉइंट को बोलते हैं अर्धचल संधि। जो हमारा सिनार्थ्रोसिस जॉइंट है, ठीक है, वो हमारा इमूवेबल जॉइंट कहलाता है। इमूवेबल जॉइंट मतलब अचल संधि जो होती है उसको हम दूसरे एक नाम और जानते हैं, उसका साइंटिफिक जो नेम है वो है सिनार्थ्रोसिस जॉइंट। आगे चलते हैं, प्रश्न अपना 12वां देखते हैं, डायार्थ्रोसिस जॉइंट है, ठीक है, ये भी एक साइंटिफिक नेम है एक जॉइंट का। हम वो जॉइंट देखते हैं कौन सा है हमारा, चल संधि, अचल संधि, अर्धचल संधि या उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पर आंसर आपका ए राइट है, चल संधि। चल संधि को हम क्या कहते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम बोलते हैं डायार्थ्रोसिस जॉइंट। आगे चलते हैं हम, अर्धचल संधि को इस नाम से जानते हैं, अर्धचल संधि मैंने आपको बताया स्लाइडली मूवेबल जॉइंट, ठीक है, उसको इस नाम से भी जानते हैं, उसका एक और साइंटिफिक नेम उसको देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन देखते हैं, साइनोवियल जॉइंट, एम्फियार्थ्रोसिस जॉइंट, फिक्स जॉइंट या डायार्थ्रोसिस जॉइंट। तो आंसर आपका बी राइट है, एम्फियार्थ्रोसिस जॉइंट। जो हमारा स्लाइडली मूवेबल जॉइंट होता है उसको हम एम्फियार्थ्रोसिस जॉइंट भी कहते हैं।
आगे चलते हैं हम। कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न नंबर 14 की बात कर रहे हैं। कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 4 या 5। तो आंसर आपका बी राइट है, 3 प्रकार। कार्टिलेज जो हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा हायलाइन कार्टिलेज होगा, फिर इलास्टिक कार्टिलेज होगा, फिर फाइब्रो कार्टिलेज होगा। आगे चलते हैं। मनुष्य में जोड़ कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 4 या 6। तो आंसर आपका यहाँ पे बी राइट है, 3 प्रकार के। चल अचल अर्धचल, मतलब हमारा इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। आगे चलते हैं हम। कौन सी पसली, 16 प्रश्न अपना देखते हैं। कौन सी पसली सबसे लंबी होती है, दूसरी पसली, तीसरी पसली, चौथी पसली या सातवीं पसली। तो आंसर आपका यहाँ पे डी राइट है, 7वीं पसली जो हमारी होती है वो सबसे लंबी होती है। 17 देखते हैं। एच शेप बोन कौन सी हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, पटेला, स्केपुला, हायाइट बोन या क्लेविकल। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी राइट है, हायाइट बोन। हायाइट बोन कैसी होती है, एच शेप में दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम 18 प्रश्न को अपने। नी कैप संबंधित है, स्टेपस, पटेला, टीबिया या स्टर्नम। तो आंसर आपका यहाँ पे बी राइट है, पटेला। पटेला को ही हम नी कैप कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये सब नाम याद करने पड़ेंगे, कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हम अपना 19 प्रश्न देखते हैं। चेस्ट बोन कहा जाता है, ऑप्शन देखते हैं, स्कैपुला, स्टर्नम, क्लेविकल या स्टेपस। जो चेस्ट बोन है उसे हम बोलते हैं, हमारा बी राइट है, स्टर्नम। स्टर्नम को ही हम चेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सिन बोन कहा जाता है, सिन बोन किसे कहा जाता है, ऑप्शन देखते हैं, फीमर, टीबिया, ह्यूमरस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी राइट है, ठीक है, टीबिया, जिसको हम सिन बोन भी कहते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।